इस प्रॉब्लम में हमें एक टू डायमेंशनल ट्रस दिया है जिसके कि मेंबर्स में हमें फोर्स और उसका नेचर फाइंड आउट करना है, जिसको कि निकालने के तीन तरीके हैं। एक मेथड ऑफ जॉइंट है, एक मेथड ऑफ सेक्शन है, एक ग्राफिकल मेथड है। तो मेथड ऑफ जॉइंट हम पढ़ चुके हैं, आज हम मेथड ऑफ सेक्शन से ट्रस के मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालना सीखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमको मेथड ऑफ सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर कोई बोले कि बीसी मेंबर में आप फोर्स निकालिए, अगर हमको मेथड ऑफ जॉइंट से निकालना है तो अभी हम नहीं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते, नहीं सी का बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट से पहले हम उस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स दो से ज्यादा ना हो। अगर हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अननोन हो जाएंगे, और सी का बनाएंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 अननोन हो जाएंगे। तो देखिए, अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम जीरो करते हैं, और दो इक्वेशन से 4 अननोन की वैल्यू और 3 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप मेथड ऑफ सेक्शन से करेंगे तो लंबे तरीके से बीसी मेंबर में फोर्स निकल आ पाएगा। कैसे लंबे तरीके से? पहले हम क्या करेंगे, अगर मेथड ऑफ सेक्शन से हमको बीसी मेंबर में फोर्स निकालना है तो पहले हम ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ए पे दो ही अननोन है। ए का बनाएंगे तो इस मेंबर और इस मेंबर में पता चल जाएगा। फिर एच का बनाएंगे, क्योंकि एच पे अभी दो ही अननोन है, इसमें तो अपने हमको पता चल गया, तो एच का बना के हम इन दोनों मेंबर में निकाल लेंगे। अब हम बी का बना पाएंगे, क्योंकि ए बी मेंबर और बी एच मेंबर में हमको पता चल गया, अब हम इन दोनों मेंबर में फोर्स और उसका नेचर मेथड ऑफ जॉइंट से निकाल पाएंगे। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से हमको जिस भी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है वो हम कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी विशेष कि दूसरे मेंबर में पता हो तभी निकल पाएगा। वैसे कई जगह पड़ेगी, वो हम देखेंगे कहाँ पे हमको उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन देखिए, अगर कोई बोलेगा कि बीसी मेंबर में हमको फोर्स निकालना है मेथड ऑफ सेक्शन से, तो हमको जिस भी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है मेथड ऑफ सेक्शन से, तो उस मेंबर को कटिंग प्लेन से काटिए। तो देखिए, बीसी मेंबर में निकालना है तो मैंने बीसी मेंबर को कटिंग प्लेन से काटा। ये कटिंग प्लेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ये कटिंग प्लेन आपके दो मेंबर को भी काट सकता है, 10 मेंबर को भी काट सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स मेंबर 3 से ज्यादा नहीं कटने चाहिए। अगर ये 10 मेंबर को कटिंग प्लेन काटता है तो उसमें से 7 आपको पते होने चाहिए, तो अननोन कितने होंगे, खाली 3। कटिंग प्लेन से देखिए, इस बीसी मेंबर में आपको फोर्स और नेचर निकालना था, तो आपने बीसी मेंबर को क्या करा, कटिंग प्लेन से काट दिया, और इस ट्रस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक राइट हैंड साइड वाला। तो पूरा ट्रस आपका इक्विलिब्रियम में था, तो इसका आधा सेक्शन भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए, हम किसी एक साइड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए, हमने बोला पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब हमको बीसी मेंबर में फोर्स निकालना है। जब कटिंग प्लेन तीन मेंबर को काटता है तो दूसरे दो मेंबर जिस पॉइंट पे मिलते हैं हमको उस पॉइंट पे मोमेंट लेना रहता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मोमेंट बोलते हैं। हमको बीसी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है, हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है, तो दूसरे दो मेंबर कहां पे मिल रहे हैं, जी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो जी पॉइंट पे मैं मोमेंट लूंगा। किसका मोमेंट लूंगा, पहले इन तीनों फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है। सेकंड, इस साइड जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनका भी मोमेंट यहां पे लेना है। इस साइड एक्सटर्नल फोर्स कितने लग रहे हैं, 1 न्यूटन का, 5.5 न्यूटन का और 3 न्यूटन का, इन तीनों का मोमेंट यहां पे लेना है। तो दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है उनका तो मोमेंट यहां पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यहीं से पास होके जा रहे हैं। तो आपको खाली बीसी का मोमेंट यहां पे लेना पड़ेगा, जी पे 1 न्यूटन, 5.5 न्यूटन और 3 न्यूटन का भी मोमेंट यहां पे लेना पड़ेगा। तो देखिए, पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा बीसी मेंबर में कोई भी नेचर। देखिए, पहले हमने यहां पे क्या एज्यूम करा, हमने बीसी मेंबर में कंप्रेशन एज्यूम करा। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर बीसी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसमें कंप्रेशन ही होगा, नहीं तो टेंशन होगा।
कैसे पता चला कि हमने कंप्रेशन एज्यूम करा है? हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, तो बी पॉइंट बताएगा कि हमने इसमें कंप्रेशन एज्यूम किया या टेंशन। अगर मैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा तो सी पॉइंट मुझे बताएगा कि मैंने इसमें कंप्रेशन एज्यूम करा या टेंशन। अब देखिए, हम जी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, एक बीसी का मोमेंट ले रहे हैं, 1, 5.5 और 3 न्यूटन का मोमेंट ले रहे हैं। तो देखिए, हमने सिग्मा एम को जीरो किया, 5.5 का मोमेंट यहां पे कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। 5.5 का जो डिस्टेंस है यहां से कितना है? 8 मीटर है। 3 का मोमेंट यहां पे कितना आएगा? 3 × 8 एंटी क्लॉकवाइज, 1 × 8 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इन बीसी इंटू 8, बीसी का डिस्टेंस यहां से कितना है? 8 है। ये तीनों कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। इससे आपके फोर्स इन बीसी की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स इन बीसी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आई, मतलब बीसी में जो नेचर एज्यूम करा वो सही है। बीसी में हमने कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब बीसी मेंबर में कंप्रेशन ही होगा। हम आंसर लिखेंगे फोर्स इन बीसी इज इक्वल टू 7 न्यूटन का कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आती तो यहां पर हम टेंशन लिख देते हैं। तो देखिए, हमने बीसी मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल लिया। अब हम बीजी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालेंगे, क्योंकि इस कटिंग प्लेन से हम इन तीनों मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब बीजी मेंबर में हम फोर्स और नेचर निकालना है तो पहले हम सेंटर ऑफ मोमेंट देखेंगे कि भाई किस पॉइंट पे हमको मोमेंट लेना है। तो देखिए, जब कटिंग प्लेन तीन मेंबर को काटता है तो दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काटता है वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो आपका सेंटर ऑफ मोमेंट होता है। किसे? बीसी मेंबर में आपको फोर्स निकालना था तो दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो जी पे मिल रहे थे, इसलिए आपका जी सेंटर ऑफ मोमेंट था। किसके लिए? बीसी के लिए। आपको बीजी मेंबर में फोर्स निकालना है तो दूसरे दो मेंबर कौन से हैं? बीसी है और एचजी है। अब ये दोनों तो पैरेलल हैं, ये तो कहीं पे भी मिलेंगे नहीं, मतलब बीजी मेंबर के लिए आपको सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं मिलेगा, मतलब वो पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे आपको मोमेंट लेना रहता है। तो हम क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व कर देंगे। हम क्या करेंगे? सिग्मा वी को जीरो कर देंगे। अगर हमको सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं मिलता है तो हम मोमेंट नहीं लेते हैं, आइदर हम सिग्मा वी को जीरो कर देते हैं या सिग्मा एच को जीरो कर देते हैं। तो देखिए, इसमें निकालना है, मैं सिग्मा वी को जीरो करूंगा तो पहले आपको इसमें एज्यूम करना पड़ेगा कोई सा भी नेचर। तो देखिए, हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं। इसमें देखिए, हमने क्या एज्यूम किया? इसमें मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा। हमको कैसे पता चला कि हमने इसमें कंप्रेशन एज्यूम करा? क्योंकि इसमें जो मैंने डायरेक्शन बनाया है वो बी की तरफ जाता हुआ, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जॉइंट की तरफ जाता हुआ हम बनाते हैं तो हमने इसमें क्या एज्यूम किया? कंप्रेशन एज्यूम किया। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा वी आपका क्या आएगा? जीरो। तो ऊपर कितना लगेगा? एक बीजी साइन 45 ऊपर लगेगा, 5.5 भी ऊपर लग रहा है, 1 नीचे लग रहा है और 3 नीचे लग रहा है। तो देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट किस, वर्टिकल के कौन कौन से लेना है? एक बीजी लेना है, 1 न्यूटन लेना है, 5.5 लेना है और 3 न्यूटन भी लेना है। कटिंग प्लेन जिनको काटता है उनको तो लेना ही रहता है, इसको भी लेना पड़ेगा आपको, बीसी को भी और एचजी को भी। लेकिन चूंकि बीसी और एचजी आपके हॉरिजॉन्टल है, इनके वर्टिकल जीरो होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं लिया। तो देखिए, हमने सिग्मा वी को जीरो किया तो ये ऊपर लग रहा है और ये दोनों नीचे लग रहे हैं इक्वल टू जीरो, तो इससे बीजी मेंबर में आपका फोर्स आ जाएगा। ये आपका निगेटिव आया, निगेटिव 2.12 न्यूटन, मतलब इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा? टेंशन होगा। तो आंसर लिख देंगे बीजी में 2.12 न्यूटन का टेंशन। तो देखिए, हमने बीजी मेंबर में भी फोर्स और नेचर निकाल लिया। अब हमको एचजी मेंबर में निकालना है, तो एचजी मेंबर को देखिए कटिंग प्लेन से काट दिया। अब इसके लिए सेंटर ऑफ मोमेंट ढूंढेंगे तो दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो बी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो ये आपका सेंटर ऑफ मोमेंट रहेगा। तो हमको अगर एचजी मेंबर में फोर्स निकालना है तो देखिए, हम बी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, इस पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे। किसका मोमेंट लेंगे? जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है उनको हमेशा लेना रहता है, मोमेंट लेते हैं तब भी लेते हैं, और सिग्मा वी और सिग्मा एच को जीरो करते हैं तब भी लेते हैं। प्लस अगर लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे तो लेफ्ट साइड जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनको हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए, इस पॉइंट पे मैं अगर इन तीनों का मोमेंट लूं तो इन दोनों का तो मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों इसी पॉइंट से जा रहे हैं। 1 न्यूटन और 3 न्यूटन का भी मोमेंट बी पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी इसी पॉइंट से जा रहे हैं। अब बी पे किसका मोमेंट लेना हमको? खाली एचजी का लेना और 5.5 न्यूटन का लेना।
तो एच जी का मोमेंट लेना है तो पहले इसको एज्यूम करना पड़ेगा इसमें कोई सा भी नेचर। तो देखिए एच जी मेंबर में मैंने यहां पे क्या एज्यूम किया, मैंने टेंशन एज्यूम करा। टेंशन एज्यूम करने पर एच जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब तो इसमें टेंशन होगा, और टेंशन एज्यूम करने पर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो एच जी में टेंशन नहीं होगा, कंप्रेशन होगा। तो देखिए यहां पे मैं मूवमेंट ले रहा हूं, अब खाली दो ही फोर्स बचे जिनका मूवमेंट लेना है, एच जी का मूवमेंट लेना और 5.5 का मूवमेंट लेना है, बाकी सबके मूवमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो देखिए इसका मूवमेंट यहाँ पे कितना आएगा, 5.5 × 8, और एच जी का कितना आएगा, 4 × 8, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू मैंने जीरो कर दिया। तो आपकी फोर्स इन एच जी कितनी आ गई, 5.5 N प्लस आया, मतलब इसमें टेंशन ही होगा। टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आई तो टेंशन ही होगा, हम आंसर लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा फोर्स इन एच जी 5.5 N का टेंशन। तो हमने इन तीनों मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल लिया। हमने किस साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया था, लेफ्ट साइड का। अगर देखिए मैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा तब भी सेम आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखिए मैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके इन तीनों मेंबर में फोर्स और नेचर निकालता हूं। देखिए हमको बीसी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है तो कटिंग प्लेन तो सेम रहेगा। अगर इस मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है तो पहले हम सेंटर ऑफ मूवमेंट ढूंढेंगे। सेंटर ऑफ मूवमेंट क्या होता है, दूसरे दो मेंबर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जब कटिंग प्लेन तीन मेंबर को काटता है तो दूसरे दो मेंबर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो आपका सेंटर ऑफ मूवमेंट होता है। मतलब इस पॉइंट पे मोमेंट लेना है, किसका मोमेंट लेना है, जितनों को कटिंग प्लेन काटेगा उनका मोमेंट हमको इस पे लेना है। प्लस हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है तो राइट साइड जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनका मोमेंट हमको जी पे लेना है। तो राइट साइड एक्सटर्नल फोर्स कौन लग रहे हैं, 4 N का, 2 N का और 4.5 N का, उसका मोमेंट यहां लेंगे प्लस इन तीनों का मोमेंट यहां लेंगे। तो इन दोनों का तो मोमेंट जी पे जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जी से जा रहे हैं, 4 का भी मोमेंट जी पे जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों का मोमेंट यहां लेना है और बीसी का मोमेंट इस पे लेना है। तो बीसी में पहले हमको नेचर एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए बीसी मेंबर में मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने टेंशन एज्यूम करा। तो बीसी का मोमेंट यहां पे कितना आएगा, BC × 8, ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मोमेंट देखिए यहां पे क्लॉकवाइज आएगा, 2 × 8 और 4.5 N का मोमेंट यहां पे देखिए क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 4.5 × 16। हमने देखिए सिग्मा एम को जीरो करा, इससे देखिए फोर्स इन बीसी की वैल्यू निगेटिव आई, मतलब आपने टेंशन एज्यूम करा वैल्यू निगेटिव आई, मतलब बीसी में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। आपको दोनों साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके एग्जाम में नहीं निकालना, आप तो किसी भी एक साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि अभी हम कंसेप्ट बना रहे हैं इसलिए मैं दोनों साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालना आपको बताऊंगा। अब देखिए बीसी मेंबर में निकल गया, अब हमको बीजी मेंबर में निकालना है। तो बीजी मेंबर को कटिंग प्लेन से काट दिया, अब हम सेंटर ऑफ मूवमेंट ढूंढेंगे। तो इसके लिए बीजी मेंबर के लिए सेंटर ऑफ मूवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो पैरेलल है, वो कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो बीजी मेंबर के लिए सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं मिलेगा। तो हम बीजी मेंबर को क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए रिजॉल्व करने से पहले इसमें नेचर हम एज्यूम कर लेते हैं। बीजी मेंबर में देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, बीजी मेंबर में मैंने टेंशन एज्यूम करा। कैसे पता चला मैंने इसमें टेंशन एज्यूम करा, क्योंकि हमने जी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है और ये जो डायरेक्शन है वो जी से दूर जाता हुआ है। ये कैसे पता चला जी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, क्योंकि मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा और जी पॉइंट राइट हैंड साइड है इसके, इसलिए जी का इक्विलिब्रियम कंसिडर हुआ। जब लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम मैं कंसिडर करता तो बी पॉइंट बताता कि मैंने इसमें कॉम्प्रेशन एज्यूम करा या टेंशन। अब देखिए हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो किन किन फोर्सेस को लेना है, जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है इन तीनों को लेना है, इन तीनों के वर्टिकल कंपोनेंट को लेना है, एक 4 N, 2 N और 4.5 N को लेना है। चूंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल है तो इनके वर्टिकल कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देखिए बीजी का आपको वर्टिकल मिलेगा, बीजी sin 45 −4 − 2 + 4.5 = 0। तो देखिए मैंने सिग्मा वी को जीरो कर लिया, सिग्मा वी को जीरो करके फोर्स इन बीसी आपका क्या आया, प्लस आया। आपने टेंशन एज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब बीजी में टेंशन ही होगा, कितने का होगा, 2.12 N का। तो देखिए हमने बीजी मेंबर में भी फोर्स और उसका नेचर निकाल लिया। अब मैं राइट हैंड साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके एच जी मेंबर में आपको फोर्स और नेचर निकालना सिखाता हूं।
तो एजी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना, तो एजी मेंबर को कटिंग प्लेन से काट दीजिए, काट दिया हमने। अब एजी मेंबर के लिए सेंटर ऑफ मूवमेंट ढूंढते हैं, तो सेंटर ऑफ मूवमेंट इसके लिए क्या रहेगा, दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो जिस पॉइंट पे मिले, किस पॉइंट पे मिलेंगे ये दोनों, बी पॉइंट पे मिलेंगे, तो बी पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मूवमेंट फॉर एजी मेंबर। देखिए जिस पॉइंट पे जो हम मोमेंट लेते हैं वो पॉइंट राइट हैंड साइड भी आ सकता है और लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है, आप किसी भी साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करिए, वो कहीं पे भी आ सकता है। हम किस साइड का इक्विलिब्रियम अभी कंसिडर करें, राइट साइड, लेकिन वो पॉइंट कहां आ रहा है, कटिंग प्लेन के लेफ्ट साइड, तो वो कहीं पे भी आ सकता है। अब इस पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे, किसका मोमेंट लेंगे, इन तीनों का मोमेंट लेंगे जिनको कटिंग प्लेन ने काटा। चूंकि हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा है इसलिए राइट साइड जितने एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे उनका भी मोमेंट यहां पे लेना है। राइट साइड एक्सटर्नल फोर्स कौन लग रहा है, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन और 4.5 न्यूटन, उनका भी मोमेंट यहां लेंगे। तो देखिए इन दोनों का तो मोमेंट यहां पे जीरो हो जाएगा। अब एचजी का मोमेंट यहां पे लेना, तो एचजी में पहले नेचर हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो एचजी में देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने कॉम्प्रेशन एज्यूम करा। तो एचजी का मोमेंट यहां पे कैसा आएगा, ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कितना आएगा, फोर्स इन एचजी इंटू 8, फिर 4 का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा 4 इंटू 8, 2 न्यूटन का मोमेंट बी पॉइंट पे कितना आएगा 2 इंटू 16, और ये कैसा आएगा क्लॉकवाइज। 4.5 का मोमेंट यहां पे कितना आएगा, 4.5 इंटू 24, और इसका मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहां पे, तो इसका आंसर फोर्स इन एचजी कितना आ जाएगा, -5.5 न्यूटन आ जाएगा। एचजी में देखिए आपने कॉम्प्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आए, मतलब एचजी में कॉम्प्रेशन नहीं होगा, एचजी में टेंशन होगा। तो आप किसी भी साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करिए, लेफ्ट साइड का करिए या राइट साइड का करिए, आंसर आपका सेम आएगा। इक्विलिब्रियम कंसिडर करने के बाद किन फोर्सेस को हमको लेना, ये ध्यान दीजिएगा, हमको किन फोर्सेस को लेना, पहला जिनको कटिंग प्लेन काटेगा उन तीनों को लेना है, मोमेंट लेते समय भी और वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम करते समय भी। प्लस अगर आप लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे तो 1 न्यूटन, 5.5 न्यूटन और 3 न्यूटन वाले फोर्स को लेना रहेगा, और राइट हैंड साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे तो 4 न्यूटन, 2 न्यूटन और 4.5 न्यूटन वाले फोर्सेस को हमको लेना रहेगा। तो देखिए हमने तीन मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल लिया। अब हम इन तीनों में हमको अगर फोर्स और नेचर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीन मेंबर को हम कटिंग प्लेन से काट देंगे। जिस भी मेंबर में आपको फोर्स और नेचर निकालना है उस मेंबर को आप कटिंग प्लेन से काट दीजिए। कटिंग प्लेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। कटिंग प्लेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स मेंबर 3 से ज्यादा नहीं काटने चाहिए, मतलब जब कटिंग प्लेन से काटेंगे तो 3 अननोन मेंबर से ज्यादा आपको नहीं काटना है। कटिंग प्लेन 100 मेंबर को भी काट सकता है, लेकिन उन 100 में 97 मेंबर में आपको फोर्स मालूम होना चाहिए। अननोन कितने हो सकते हैं, 3, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखिए अब हमको किसमें निकालना है, सीडी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है। इक्विलिब्रियम कंसिडर करने के बाद हमको सेंटर ऑफ मोमेंट ढूंढना है, मतलब वो पॉइंट हमको ढूंढना है जहां पे हमको मोमेंट लेना है। तो जब कटिंग प्लेन 3 मेंबर को काटता है तो दूसरे दो मेंबर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो हमारा रहता है सेंटर ऑफ मोमेंट। मतलब अगर सीडी मेंबर में आपको फोर्स निकालना है तो आपको जी पॉइंट पे मोमेंट लेना पड़ेगा। किस पॉइंट पे, किसका मोमेंट लेना पड़ेगा, इन तीनों का मोमेंट लेना पड़ेगा जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है। और हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है इसलिए 4 न्यूटन का मोमेंट, 1 न्यूटन का मोमेंट, 5.5 न्यूटन का मोमेंट और 3 न्यूटन का भी मोमेंट हमको जी पॉइंट पे लेना पड़ेगा। अब जी पॉइंट पे देखिए इन दोनों का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जी से ही पास होके जा रहे हैं। 4 न्यूटन का भी मोमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसका मोमेंट बचेगा, खाली सीडी मेंबर का मोमेंट बचेगा, 1 न्यूटन, 5.5 और 3 न्यूटन का मोमेंट यहां पे मिलेगा। अब सीडी मेंबर में फोर्स जो लग रहा है उसका मोमेंट यहां पे लेना है तो पहले सीडी मेंबर में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने सीडी मेंबर में क्या एज्यूम किया है, सीडी मेंबर में मैंने टेंशन एज्यूम करा है। हम नहीं जानते कि सीडी मेंबर में टेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, हम तो मन से एज्यूम कर लेंगे।
हमने इसमें टेंशन रिज्यूम करा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आंसर में टेंशन लिख दीजिएगा, निगेटिव आएगी तो आंसर में कंप्रेशन लिख दीजिएगा। तो देखिए मैं मोमेंट ले रहा हूं यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इन सी डी इंटू एट, इसका क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, वन इंटू एट, थ्री इंटू एट, 5.5 इंटू 16। तो इन दोनों का तो मोमेंट यहां पे कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट 5.5 इंटू 16, ये मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने सिग्मा एम को जीरो कर लिया, तो फोर्स इन सीडी मेंबर में आ गया -7 न्यूटन। तो सीडी मेंबर में आपने टेंशन रिज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आ गई, मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। हम आंसर लिख देंगे फोर्स इन सीडी 7 न्यूटन कंप्रेशन। तो देखिए सीडी मेंबर में निकल गया। अब हमको जीडी मेंबर में निकालना है, हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है, तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मूवमेंट देखेंगे, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो पैरेलल है, वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए इसके लिए सेंटर ऑफ मूवमेंट नहीं मिलेगा। जीडी मेंबर में निकालने के लिए पहले हम इसमें एज्यूम कर लेंगे, इसमें देखिए मैंने पहले क्या एज्यूम किया, मैंने कॉम्प्रेशन एज्यूम करा। अब इसके लिए सेंटर ऑफ मूवमेंट नहीं मिला, हम क्या करेंगे, इनके वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम जीरो कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम जीरो क्यों नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको सीडी और जीएफ मेंबर में पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। अगर इन दोनों में आपको फोर्स मालूम है, उसका नेचर मालूम है, तो आप क्या कर पाएंगे, सिग्मा एच को जीरो करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि हमको सीडी मेंबर और जीएफ मेंबर में फोर्स और उसका नेचर नहीं मालूम है, इसलिए हम जब सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपके हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो वर्टिकल कौन सा रहेगा, जीडी रहेगा, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5.5 न्यूटन और 3 न्यूटन को कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में तो देखिए हम सिग्मा वी को जीरो कर रहे हैं, हम लिखेंगे फोर्स इन जीडी साइन 45, माइनस में लिखेंगे -4 -1 -3 +5.5 इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमने ये इक्वेशन बना दी, तो इससे फोर्स इन जीडी आपका आ जाएगा, ये निगेटिव आ रहा है, आपने कॉम्प्रेशन रिज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आई, मतलब इसमें कॉम्प्रेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। हम देखिए अपना आंसर लिखेंगे फोर्स इन जीडी 3.54 न्यूटन का टेंशन। तो आपने इस कटिंग प्लेन से इन दो मेंबर में भी फोर्स और नेचर निकाल लिया। अब आपको जीएफ मेंबर में निकालना है, तो पहले ये सोचेंगे कि जीएफ मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है तो क्या सेंटर ऑफ मोमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जीएफ मेंबर में जब फोर्स निकालना है तो दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहे हैं वो डी पे जाके मिल रहे हैं, मतलब आपको सेंटर ऑफ मोमेंट मिल गया। आप किस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, डी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। किसका मोमेंट लेंगे, पहले जितनों को कटिंग प्लेन काट रहा है उनका मोमेंट डी पे लेंगे। हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है, इसलिए 4 का मोमेंट, 1 का मोमेंट, 3 का मोमेंट और 5.5 न्यूटन का भी मोमेंट हमको डी पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों का तो मोमेंट डी पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीडी का और जीडी का मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है यहीं से जा रहे हैं। अब ये 4 का मोमेंट मिलेगा 4 इंटू 8, 1 का मिलेगा 1 इंटू 16, 3 का मिलेगा 3 इंटू 16, 5.5 का मिलेगा 5.5 इंटू 24। अब जीडी का मोमेंट लेना है तो पहले इसमें आपको नेचर रिज्यूम करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें मैंने जो नेचर रिज्यूम करा है वो मैंने टेंशन रिज्यूम करा है। तो जीडी का मोमेंट का नेचर कैसा आएगा यहां पे, सॉरी जीएफ का नेचर कैसा आएगा यहां पे, ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कितना आएगा, जीएफ इंटू 8, तो इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, 3 न्यूटन का भी एंटी क्लॉकवाइज और 5.5 न्यूटन का मोमेंट डी पे कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो देखिए हमने इनके मोमेंट का एल्जेब्रिक सम जीरो करा, तो आपका फोर्स इन जीएफ आ गया। जीएफ में कितना है, पॉजिटिव, टेंशन एज्यूम करने पर पॉजिटिव आया, इसलिए देखिए मैंने जीएफ मेंबर में टेंशन लिख दिया। तो जीएफ मेंबर में भी हमने फोर्स और नेचर निकाल लिया। हमने किस साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, लेफ्ट साइड का। अगर आप राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे तब भी देखिए आ जाएगा, इन तीनों मेंबर में सेम आंसर आएगा जो हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके निकाला था। अब देखिए अगर मैं इस साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा और अगर सीडी मेंबर में मेरे को फोर्स और नेचर निकालना है तो पहले मेरे को सेंटर ऑफ मोमेंट ढूंढना है। तो सेंटर ऑफ मोमेंट क्या होगा, दूसरे दो मेंबर
जिस पॉइंट पे मिलेंगे, कहां पे मिल रहा है, दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो जी पे मिल रहा है, तो ये मिल गया सेंटर है मोमेंट। अब इस पे मोमेंट लेना है, किसका मोमेंट लेना है, इन तीनों का मोमेंट लेना है जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है, प्लस चूंकि मैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है इसलिए 2 न्यूटन और 4.5 न्यूटन का भी मोमेंट अपने को जी पे लेना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों का तो मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब सीडी का मोमेंट यहाँ पे लेना है तो सीडी में पहले मन से नेचर रिज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए सीडी मेंबर में मैंने मन से टेंशन रिज्यूम करा। मेरे को कैसे पता चला कि इसमें मैंने टेंशन रिज्यूम करा, क्योंकि मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा इसलिए डी पॉइंट बताएगा कि इसमें मैंने टेंशन रिज्यूम किया या कंप्रेशन रिज्यूम करा। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है वो डी से दूर जाता हुआ है, मतलब इसमें मैंने टेंशन रिज्यूम करा। तो देखिए फोर्स इन सीडी का मोमेंट यहां पे कितना आएगा, फोर्स इन सीडी इंटू एट, ये कैसा आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। टू का मोमेंट यहां पे कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, टू इंटू एट। और 4.5 का मोमेंट यहां पे कितना आएगा, 4.5 इंटू 16, और इसका मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने इक्वेशन बना दिया, सिग्मा एम को मैंने जीरो कर दिया, तो इससे देखिए फोर्स इन सीडी की वैल्यू निगेटिव आई। आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आई, मतलब सीडी में टेंशन नहीं होगा, सीडी में कॉम्प्रेशन होगा। पहले हम निकाल चुके थे जब हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया था, तो इस राइट साइड का भी इक्विलिब्रियम कंसिडर करने पर देखिए सेम आंसर आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम और नेचर भी सेम। अब राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके मैं जीडी मेंबर में निकाल के बताता हूं। हम पहले निकाल चुके लेकिन हम दोनों साइड से निकालना सीख रहे हैं। अब इसमें फोर्स और नेचर निकालना, तो पहले सेंटर ऑफ मोमेंट जोड़ेंगे, तो दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो तो पैरेलल है, मतलब इसके लिए सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अल्जेब्रिक सम जीरो कर देंगे। तो पहले इसमें मैं नेचर रिज्यूम कर लूं, देखिए इसमें मैंने मन से क्या रिज्यूम किया, कॉम्प्रेशन रिज्यूम करा। सिग्मा वी को जीरो करते समय किन फोर्सेस को लेना है, इन तीनों को लेना है जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है, क्योंकि राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया इसलिए 2 न्यूटन और 4.5 न्यूटन वाले एक्सटर्नल फोर्स को लेना है। तो देखिए ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल है, सीडी और जीएफ हॉरिजॉन्टल है, तो इसका वर्टिकल जीरो हो जाएगा। अब इसका वर्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगेगा, फोर्स इज जीडी साइन 45 माइनस 2 प्लस 4.5 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए मैंने सिग्मा वी को जीरो कर दिया, ऊपर लगने वाले फोर्सेज माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेज इक्वल टू जीरो, तो इससे देखिए फोर्स इन जीडी हमारा आ जाएगा, निगेटिव आ रहा है। आपने कंप्रेशन रिज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब इसमें कंप्रेशन नहीं होगा 3.54 न्यूटन का, इसमें टेंशन होगा 3.54 न्यूटन का। देखिए ये आंसर आ गया। तो हमने इस मेंबर में भी निकाल लिया, अब हमें देखिए जीएफ मेंबर में निकालना है। तो जीएफ मेंबर में निकालने के लिए देखिए कटिंग प्लेन से इसको काट दिया, तो ये जो कटिंग प्लेन है इस कटिंग प्लेन से इन तीनों मेंबर में फोर्स और नेचर पता चल जाएगा। तो जीएफ मेंबर के लिए अपन सेंटर ऑफ मोमेंट जोड़ेंगे, तो दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो डी पे मिल रहे हैं, तो डी आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मोमेंट। तो इस पे मोमेंट लेंगे, किसका मोमेंट लेंगे, इन तीनों का मोमेंट लेंगे, क्योंकि राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा इसलिए 2 न्यूटन का मोमेंट इस पे लेंगे और 4.5 न्यूटन का भी मोमेंट डी पॉइंट पे लेंगे। देखिए ये मिल गया हमको सेंटर ऑफ मोमेंट, डी पे मोमेंट ले रहे हैं। तो डी पे देखिए किनका मोमेंट जीरो हो जाएगा, सीडी का मोमेंट डी पे जीरो हो जाएगा, जीडी का मोमेंट डी पे जीरो हो जाएगा, टू का मोमेंट डी पे जीरो हो जाएगा। अब खाली दो फोर्स का मोमेंट लेना है, जीएफ का लेना है और 4.5 न्यूटन का लेना है। तो जीएफ में पहले नेचर हम एज्यूम कर लेते हैं, जीएफ में देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, टेंशन। तो जीएफ का मोमेंट डी पे कितना आएगा, जीएफ इंटू 8, और इसका मोमेंट का नेचर कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। और 4.5 का मोमेंट यहां पे कितना आएगा, 4.5 इंटू 8, और इसका मोमेंट का नेचर देखिए, ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमने इक्वेशन बना दिया, फोर्स इन जीएफ इंटू 8 माइनस 4.5 इंटू 8, इससे फोर्स इन जीएफ आ गया, कैसा आया, पॉजिटिव आया। आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आए, मतलब जीएफ में आपका टेंशन ही होगा। तो देखिए हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके इन तीनों मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं कि आप किसी भी साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अभी देखिए जब कटिंग प्लेन तीन मेंबर को काट रहा था, तो किस मेंबर में किस तरीके से हम निकालते हैं ये हमने समझा। अब देखिए हमारा कटिंग प्लेन, अब हमको इन दोनों मेंबर में निकालना है, तो इन दोनों मेंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, कटिंग प्लेन से काटना पड़ेगा।
ये देखिए मैं कटिंग प्लेन से काट रहा हूं, जिस भी मेंबर में आपको फोर्स और नेचर निकालना है उसको कटिंग प्लेन से काट दीजिए। कटिंग प्लेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करना पड़ेगा, आइदर लेफ्ट या राइट। तो देखिए मैंने किस साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा, लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा तो लेफ्ट साइड एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, 5.5 न्यूटन का लग रहा है, और ये दोनों तो इंटरनल हो गए। अब अगर हमको एबी मेंबर में फोर्स निकालना है, एबी मेंबर में, तो एबी मेंबर के करीब जो पॉइंट रहेगा उस पे हम मूवमेंट लेंगे, तो सी पॉइंट पे लेंगे या हम एच पॉइंट पे लेंगे या जी पे लेंगे, ये सवाल उठता है। देखिए अगर एबी मेंबर में फोर्स निकालना, आपने बी पे मूवमेंट लिया तो एबी का तो मूवमेंट बी पे जीरो हो जाएगा, तो एबी में निकालना है तो बी पे आप मूवमेंट नहीं ले सकते। अब एबी में निकालना तो करीब वाला पॉइंट कौन सा हो गया, एच हो गया, तो हमको एच पॉइंट पे मूवमेंट लेना है। कैसे लेना है देखिए, हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया और एबी मेंबर में निकालना है, तो देखिए एच पॉइंट पे किसका मूवमेंट लेंगे, जितनों को कटिंग प्लेन काटेगा मतलब इन दोनों का मूवमेंट इस पे लेंगे, प्लस लेफ्ट साइड जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका भी मूवमेंट लेंगे, मतलब 5.5 का भी मूवमेंट एच पे लेंगे। अब देखिए कटिंग प्लेन इन दोनों का काट रहा है तो इन दोनों का मूवमेंट इस पे लेना है, तो देखिए ईएच का मूवमेंट तो इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, मतलब खाली इन दोनों फोर्स का मूवमेंट एच पे आपको लेना रहेगा। तो एबी का मूवमेंट एच पे लेना है तो एबी में पहले हमको नेचर एज्यूम करना पड़ेगा, तो देखिए एबी में मैंने मन से क्या एज्यूम किया, कंप्रेशन। अब फोर्स इन एबी का मूवमेंट एच पे कितना आएगा, फोर्स इन एबी इनटू 8, और इसका मूवमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और 5.5 का मूवमेंट एच पे लेंगे तो 5.5 इनटू 8, और इसका मूवमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो देखिए हमने लिखा सिग्मा एम को जीरो करा, 5.5 इनटू 8 माइनस फोर्स इन एबी इनटू 8 इक्वल टू जीरो, तो इससे देखिए फोर्स इन एबी आ गया, ये आया प्लस 5.5 न्यूटन। आपने कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आए, मतलब आप आंसर में कंप्रेशन ही लिखेंगे, हमारा आंसर हो गया फोर्स इन एबी इक्वल टू 5.5 न्यूटन का कंप्रेशन। अब हमें इस मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है, देखिए इसमें, तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मोमेंट ढूंढेंगे। देखिए जो लास्ट के दो मेंबर रहते हैं इसके लिए सेंटर ऑफ मोमेंट क्या लेते हैं, जो करीब वाला पॉइंट रहता है, ठीक। जब एबी में निकालना है तो एच पे मोमेंट लेंगे, जब ईएच में निकालना है तो हम बी पे मोमेंट लेंगे। एबी में निकालना है तो हम एच पे मोमेंट लेंगे, और ईएच पे निकालना है तो हम कहां पे मोमेंट लेंगे, बी पे। अब देखिए ईएच में निकालना है किसका मोमेंट बी पे लेंगे, इन दोनों का मोमेंट बी पे लेंगे जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है, और 5.5 का भी मोमेंट बी पे लेंगे। तो एबी का तो मोमेंट बी पे जीरो हो गया, एबी का मोमेंट बी पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ईएच का मोमेंट बी पे लेना है तो पहले इसमें अपन नेचर एज्यूम कर लें। तो देखिए ईएच में मैंने क्या एज्यूम किया है, ईएच में देखिए मैंने क्या एज्यूम किया है, ईएच में मैंने टेंशन एज्यूम करा है। तो ईएच का मोमेंट बी पे क्या आएगा, ईएच साइन 45 इंटू 8 माइन, इसको अपन क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए माइनस, और 5.5 का मोमेंट भी बी पे लेंगे तो 5.5 इंटू 8। देखिए मैंने क्या करा, सिग्मा एम को जीरो करा, 5.5 इंटू 8 माइनस फोर्स इन ईएच साइन 45 इंटू 8 इक्वल टू जीरो, तो फोर्स इन ईएच आ गया, कितना आया प्लस 7.78 न्यूटन। प्लस आया मतलब आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आए, मतलब ईएच में टेंशन ही होगा। अब जरूरी नहीं कि हम बी पे मोमेंट लें, अगर हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे तब भी ईएच में आ जाएगा, हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे तब भी ईएच में आ जाएगा। सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो किनको लेंगे, जिनको कटिंग प्लेन काटते हैं उनको तो हमेशा लेना रहता है। क्योंकि मैं सिग्मा वी को जीरो कर रहा हूं तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एबी वाला, तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, जीरो होता है। तो सिग्मा वी को जीरो करूंगा तो क्या मैं लिखूंगा, ईएच साइन 45 माइनस में प्लस 5.5 इक्वल टू जीरो, यह हम क्या लिख सकते हैं देखिए, और ये हमने लिख दिया, ऊपर लगने वाले नीचे लगने वाले, ऊपर लगने वाले फोर्स माइनस नीचे लगने वाले फोर्स इक्वल टू जीरो, तो फोर्स इन ईएच सिग्मा वी को जीरो करेंगे तब भी आ जाएगा, क्या आया पॉजिटिव आया, टेंशन एज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आए, तो आंसर में देखिए मैं टेंशन लिख दूंगा, फोर्स इन ईएच 7.78 न्यूटन का टेंशन। तो देखिए हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके इन दोनों मेंबर में निकाल लिया। अब देखिए अगर मैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया होता, अगर देखिए मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया
और आपको इन दो मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है। तो वही सेम तरीका, ए बी में निकालना है तो हम क्या करेंगे, एच पे मोमेंट ले लेंगे, और ए एच में निकालना है तो हम बी पे मोमेंट ले लेंगे। ठीक, कैसे? देखिए, पहले मैं ए बी में निकालना बता रहा हूं, तो मैं कहां पे मोमेंट ले रहा हूं, एच पे मोमेंट लूंगा। किसका मोमेंट लूंगा, इन दोनों का तो मोमेंट लेना ही, जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है। चूंकि मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा है, तो एच पे 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन और 4.5 न्यूटन का मोमेंट लेना पड़ेगा। तो एच पे EH का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, 1 न्यूटन और 3 न्यूटन का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों यहीं से जा रहे हैं। अब AB का मोमेंट लेना, तो AB में देखिए पहले मन से नेचर एज्यूम करना पड़ेगा। मन से देखिए इसमें मैंने क्या एज्यूम किया, टेंशन, क्योंकि ये B से दूर जाता हुआ बना है। मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है, इसलिए B पॉइंट बताएगा कि इसमें मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा या टेंशन। अगर मैंने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया था, तो A पॉइंट मुझे बता रहा था कि मैंने इसमें कंप्रेशन एज्यूम करा या टेंशन। अब AB का मोमेंट H पे लेना है, तो मैं लिखूंगा AB इंटू 8 और इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। 4 का मोमेंट H पे कितना आएगा, 4 इंटू 8, इसका मोमेंट क्लॉकवाइज। 2 का मोमेंट H पे कितना आएगा, 2 इंटू 16, इसका मोमेंट क्लॉकवाइज। 4.5 का मोमेंट H पे कितना आएगा, 4.5 इंटू 24, और इसका मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने सिग्मा M को जीरो कर दिया, तो देखिए इससे भी फोर्स इन AB आ गया -5.5 न्यूटन। आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आए, मतलब एबी में टेंशन नहीं होगा, एबी में कंप्रेशन होगा 5.5 न्यूटन का। अब हम ईएच में निकाल रहे हैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके, तो ईएच में निकालना है, तो ईएच के लिए सेंटर ऑफ मोमेंट क्या होगा, बी पॉइंट रहेगा। हम बी पे मोमेंट लेंगे, तो देखिए बी पे हम मोमेंट ले रहे हैं, तो बी पे किसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, एक तो एवी का मोमेंट जीरो हो जाएगा, 3 न्यूटन का मोमेंट जीरो हो जाएगा, इन तीन का मोमेंट मिलेगा। अब पहले ईएच का मोमेंट बी पे लेने के लिए ईएच में हम नेचर एज्यूम कर लेते हैं। देखिए ईएच में मैंने फोर्स का क्या नेचर एज्यूम किया है, ईएच में देखिए मैंने फोर्स में कंप्रेशन एज्यूम करा है। तो ईएच का मोमेंट यहां पर कितना आएगा, ईएच साइन 45 इंटू 8, ये मोमेंट कैसा आएगा, ईएच साइन 45 इंटू 8 कैसा आएगा, यह आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर 4 का मोमेंट 4 इंटू 8 क्लॉकवाइज, 2 इंटू 16 क्लॉकवाइज, 4.5 इंटू 24, ये एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू जीरो। तो देखिए आपने फोर्स इन एज भी निकाल लिया, तो कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आए, तो एज में कंप्रेशन नहीं होगा, 7.78 न्यूटन का टेंशन होगा। अगर आप सिग्मा वी को जीरो करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या लगेगा, फोर्स इन ईएस कॉस 45 नीचे लगेगा, 1 न्यूटन नीचे लग रहा है, 3 न्यूटन नीचे लग रहा है, 4 न्यूटन नीचे लग रहा है, 2 न्यूटन नीचे लग रहा है और 4.5 न्यूटन ऊपर लग रहा है। तो इनके देखिए मैंने वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम किया, तब भी ईएच आ गया, ईएच कितना आया, निगेटिव आया, मतलब ईएच में कंप्रेशन नहीं होगा, टेंशन होगा। तो जिस भी मेंबर में हमको फोर्स और नेचर निकालना रहता है, उस मेंबर को हम कटिंग प्लेन से काटते हैं, उसके बाद आइदर हम किसी पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, अगर सेंटर ऑफ मोमेंट मिल जाता है तो, या सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं मिलता है तो हम सिग्मा वी या सिग्मा एच को जीरो कर देते हैं, तो आपका आंसर निकल आता है। अब देखिए हमने इतने मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल लिया है, अब मैं इन दोनों मेंबर में आपको फोर्स और नेचर निकालना सिखा रहा हूं। तो जिस भी मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना, उसको आप कटिंग प्लेन से काट दीजिए। तो देखिए डी मेंबर में निकालना, तो डी मेंबर को मैंने कटिंग प्लेन से काट दिया। कटिंग प्लेन ने इस ट्रस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक राइट हैंड साइड वाला। पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में, तो इस ट्रस का लेफ्ट साइड वाला भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और राइट साइड वाला भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए हम किसी एक साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेंगे, तो मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया। मुझे डीई मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है, तो देखिए डी में फोर्स और नेचर निकालना है तो किस पॉइंट पे मोमेंट लेना है, करीब वाला कौन सा है, एफ, हम एफ पे मोमेंट ले लेंगे। एफ पे जब मोमेंट लेंगे, किसका मोमेंट लेंगे, इन दोनों का मोमेंट लेंगे जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है। चूंकि राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर, तो राइट साइड एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, 4.5 न्यूटन का, तो 4.5 न्यूटन का भी मोमेंट एफ पॉइंट पे हम ले लेंगे। देखिए इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो डी का मोमेंट इस पे लेना है, तो डी में पहले नेचर एज्यूम करना पड़ेगा। तो डी में देखिए मैंने मन से क्या एज्यूम किया है, कंप्रेशन। कैसे पता चला कंप्रेशन एज्यूम करा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जॉइंट की तरफ है।
किस जॉइंट की तरफ है? ई जॉइंट की तरफ है। हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा, इसलिए ई पॉइंट बताएगा कि हमने क्या एज्यूम किया है, डी ई मेंबर में कॉम्प्रेशन या टेंशन। अब डी का मोमेंट यहां पे हम ले सकते हैं, फोर्स इन डी इंटू एट क्लॉकवाइज मोमेंट है इसका, और 4.5 इंटू एट ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो देखिए मैंने सिग्मा एम को जीरो कर दिया, ये इक्वेशन बन गए क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो इससे फोर्स इन डी आपका पॉजिटिव आ गया, आपने कंप्रेशन रिज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो फोर्स इन डी में कंप्रेशन होगा, तो हमने फोर्स इन डी लिख दिया 4.5 न्यूटन का कंप्रेशन। अब हमको ईएफ मेंबर में निकालना है, तो ईएफ मेंबर में निकालने के लिए किस पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं? करीब वाला पॉइंट कौन सा है? डी। हम डी पे मूवमेंट लेते हैं, तो डी पे किसका मूवमेंट लेंगे? इन दोनों का मूवमेंट लेंगे जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है, प्लस राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा, इसलिए राइट साइड जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका भी मोमेंट डी पे लेंगे। तो पहले इसमें हम नेचर रिज्यूम कर ले, तो देखिए इसमें मैंने मन से क्या नेचर रिज्यूम किया है, इसमें मैंने मन से टेंशन रिज्यूम करा है। तो हम फोर्स इन ईएफ को मोमेंट डी पे ले रहे हैं, हम लिखेंगे फोर्स इन ईएफ साइन 45 इंटू एट माइनस 4.5 इंटू एट इक्वल टू जीरो। ये देखिए इन दोनों का मोमेंट लिया, किसका मोमेंट लिया? ईएफ का मोमेंट लिया और 4.5 का मोमेंट लिया, इसलिए फोर्स इन ईएफ आपका आ जाएगा प्लस आ जाएगा 6.36 न्यूटन। टेंशन रिज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब इसमें टेंशन ही होगा। जरूरी नहीं कि आप इस पॉइंट पे मोमेंट ले तभी ईएफ में आएगा, आप सिग्मा वी को जीरो कर दीजिए। देखिए मैं सिग्मा वी को जीरो कर रहा हूं, सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स इन ईएफ साइन 45, ऊपर कितना लग रहा है? प्लस 4.5 इक्वल टू जीरो। तो इससे भी आपका ईएफ आ जाएगा प्लस 6.36 न्यूटन। हम सिग्मा एच को जीरो करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए आपको इसमें पहले पता होना चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे सिग्मा एच को जीरो करके किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर इसमें नहीं पता है तब तो आपको सिग्मा वी को ही जीरो करना पड़ेगा, अगर इसमें पता है तो आप सिग्मा एच को जीरो करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने इन दो मेंबर में निकाल लिया लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके। अगर देखिए मैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा इस साइड का, तब भी आपका इन दो मेंबर में आ जाएगा, लेकिन आपका काम बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा फोर्सेस का मोमेंट लेना पड़ेगा। कैसे? डी ई मेंबर में फोर्स निकालना है तो हम एफ पॉइंट पे मोमेंट लेंगे इसमें। तो इसमें देखिए पहले मैं नेचर एज्यूम कर लेता हूं, इसमें मैंने टेंशन एज्यूम करा। अब हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा तो इसमें कितनों का मोमेंट लेना पड़ेगा? 2 का मोमेंट, 4 का मोमेंट, 1 का मोमेंट, 5.5 न्यूटन का मोमेंट, 3 का मोमेंट, और इन दोनों का तो लेना ही पड़ेगा मोमेंट। तो इसका तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, ईएफ का मोमेंट जीरो हो जाएगा, 2 का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा, डी का मोमेंट मिलेगा डीई इंटू एट, ये मोमेंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। 4 इंटू एट इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, 1 इंटू 16 इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, 3 इंटू 16 इसका भी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, 5.5 इंटू 24 इसका मोमेंट क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने सिग्मा एम को जीरो करा, इससे DE की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आपने टेंशन एज्यूम करा वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब टेंशन नहीं होगा, DE में क्या होगा? कंप्रेशन। सेम वही आंसर जब आपने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर करा था, राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर करने पर भी वही आंसर आ रहा है। अगर आपको EF मेंबर में फोर्स और नेचर निकालना है तो आपको कहां मोमेंट लेना पड़ेगा? डी पे लेना पड़ेगा, डी विल बी अवर सेंटर ऑफ मोमेंट। तो किसका मोमेंट लेंगे? एक तो अपन EF का मोमेंट यहां लेंगे, प्लस लेफ्ट साइड एक्सटर्नल फोर्स कौन लग रहे हैं? 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5.5 न्यूटन, 3 न्यूटन, इन सबका मोमेंट यहां लेना पड़ेगा। तो डी का मोमेंट और 2 न्यूटन का तो मोमेंट यहां पे जीरो हो जाएगा। अब ईएफ का मोमेंट लेना तो पहले ईएफ में हमको नेचर एज्यूम करना पड़ेगा। ईएफ में देखिए मैंने क्या एज्यूम किया? कंप्रेशन। तो ईएफ का मोमेंट कितना आएगा? ईएफ साइन 45 इंटू 8। इसका मोमेंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने सिग्मा एम को जीरो करा, मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू जीरो करा, तो देखिए हमारा फोर्स इन ईएफ आ गया नेगेटिव। आपने कंप्रेशन रिज्यूम करा वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ईएफ में कंप्रेशन नहीं होगा, टेंशन होगा 6.36 न्यूटन का। अब जरूरी नहीं कि ईएफ में निकालना है तो हम मोमेंट ही लें, आप सिग्मा वी को जीरो करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। जब हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो किन फोर्सेस को लेंगे? जितनों को कटिंग प्लेन काट रहा है। तो डीई को हमने नहीं लिया क्योंकि डी तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका वर्टिकल क्या हो जाएगा? जीरो। तो किसको लेंगे? ईएफ कॉस 45,
माइनस में लिखेंगे, नीचे की ओर लग रहा है माइनस टू, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस थ्री, प्लस 5.5 इक्वल टू जीरो। तो इससे भी एफ आर आपका माइनस थ्री, माइनस 6.36 न्यूटन। नेगेटिव आ रहा है, कंप्रेशन रिज्यूम करा, नेगेटिव है मतलब इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। तो हमने इन दो मेंबर में भी फोर्स और नेचर निकाल लिया और दोनों साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके निकाल लिया। और आप देख रहे हैं कि किसी भी साइड का इक्विलिब्रियम आप कंसिडर करिए, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए हमारे बीच वाले मेंबर रह गए हैं, एक आपको बीएच में निकालना है, सीजी में निकालना है और डीएफ में निकालना है। तो इनमें भी निकालने का तरीका वही है। इस मेंबर में निकालना है तो इसको कटिंग प्लेन से काट दीजिए। कटिंग प्लेन कभी भी जॉइंट से पास होके नहीं जाएगा, जॉइंट आइदर लेफ्ट साइड रहेगा या राइट साइड रहेगा कटिंग प्लेन के। तो देखिए अगर बीएच में मेंबर में निकालना है तो बीएच मेंबर को देखिए मैं कटिंग प्लेन से काट रहा हूं। आप जानते हैं कि कटिंग प्लेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। देखिए कटिंग प्लेन ने स्ट्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक राइट साइड वाला। तो पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैंने देखे लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम पहले कंसिडर किया है, फिर मैं राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके भी बीएच मेंबर में आपको निकालना सिखाऊंगा। देखिए मैंने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लिया है। तो देखिए कटिंग प्लेन ने तीन मेंबर को काटा है तो इसके लिए सेंटर ऑफ मोमेंट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है वो तो पैरेलल है, वो कहीं पे मिल नहीं रहे, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं मिला। तो अपन इसको रिजॉल्व कर देंगे, इसमें सिग्मा वी को अपन जीरो कर देंगे। तो पहले देखिए इसमें मैं नेचर एज्यूम कर लेता हूं, तो एच पॉइंट बताएगा कि मैंने इसमें क्या एज्यूम किया। तो देखिए मैंने ये जो डायरेक्शन है एच की तरफ जाता हुआ बनाया, मतलब इसमें मैंने क्या एज्यूम किया, कंप्रेशन एज्यूम करा। अब देखिए मैंने इसमें कंप्रेशन एज्यूम करा, मैं सिग्मा वी को जीरो कर रहा हूं, मैं सिग्मा वी को जीरो कर रहा हूं। ऊपर लगने वाले माइनस नीचे लगने वाले इक्वल टू जीरो। ऊपर कितना लग रहा है 5.5, नीचे कितना लग रहा है बी एच, और नीचे कितना लग रहा है 3। तो माइनस 3 माइनस बी एच इक्वल टू जीरो। वन को नहीं लेंगे, वन देखिए कटिंग प्लेन का राइट साइड है, हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा है, इसलिए लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस को लेना है। एक 5.5 इसके लेफ्ट है, 3 न्यूटन लेफ्ट है और अपना ये बी एच वाला, और 1 न्यूटन क्या है इसके राइट साइड है। तो इससे बी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 2.5 न्यूटन। तो बी एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आपने कंप्रेशन एज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आए तो बी एच में कंप्रेशन होगा। देखिए फोर्स इन बी एच मैंने लिखा 2.5 न्यूटन का कंप्रेशन। अगर आप राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। देखिए मैं बी एच मेंबर में राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके निकालना बता रहा हूं। देखिए मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा, तो बी एच में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नेचर एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या नेचर एज्यूम करा, इसमें देखिए मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा। तो बी एच के लिए सेंटर ऑफ मोमेंट तो मिल नहीं रहा है, हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे। जब सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो पहले इन तीनों को लेंगे जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है। तो देखिए ए बी और एच जी का तो सिग्मा वी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, तो इन दोनों के वर्टिकल जीरो हो गए। तो ये वर्टिकल है 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन और 4.5 न्यूटन को लेना पड़ेगा क्योंकि ये इसके राइट साइड है। तो देखिए मैंने सिग्मा वी को जीरो करा तो कितना लिखा, फोर्स इन बी एच ऊपर लग रहा है, प्लस 4.5 ऊपर लग रहा है, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू जीरो करा। तो राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करने पर बी एच की वैल्यू प्लस 4.5 न्यूटन आए। आपने कंप्रेशन एज्यूम करा वैल्यू प्लस आए, मतलब बी एच में आपका कंप्रेशन ही होगा। तो हमने बी एच मेंबर में फोर्स और नेचर निकाल लिया, दोनों साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके निकाला और दोनों साइड से आपका आंसर सेम आ रहा है। अब सपोज डीएफ मेंबर में निकालना है तो हम डीएफ मेंबर को क्या करेंगे, कटिंग प्लेन से काट देंगे। देखो डीएफ को मैं कैसे काट रहा हूं, ऐसे मैंने काट दिया। बीएच को मैंने ऐसा कर बनाया था, कर बनाइए ऐसे बनाइए, दोनों सेम ही चीज है, कटिंग प्लेन तीन ही को काट रहा है। तो देखिए अब डीएफ मेंबर में हमको फोर्स निकालना है इस वाले में, तो डीएफ मेंबर को मैंने देखिए कटिंग प्लेन से इस तरीके से काट दिया। मैं कर भी बना सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कटिंग प्लेन ने इस ट्रस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में तो उसका लेफ्ट साइड वाला भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और राइट साइड वाला भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए हम किसी एक साइड का पहले इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेते हैं, हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लिया। अब डीएच मेंबर के लिए सेंटर ऑफ मोमेंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि दूसरे दो मेंबर डीई और जीएफ तो पैरेलल है, ये दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं मिलेगा।
अब इसमें निकालना राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया तो एफ पॉइंट बताएगा कि इसमें मैंने क्या एज्यूम किया। तो देखिए डीएफ मेंबर में मैंने कॉम्प्रेशन एज्यूम कर लिया। अब मैं सिग्मा वी को जीरो कर लूंगा, ये नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है, दो ही फोर्स को लेना है, इन दोनों को तो लेना नहीं जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है, क्योंकि ये दोनों के वर्टिकल जीरो होंगे। तो देखिए मैंने सिग्मा वी को जीरो कर दिया, ऊपर लग रहा है 4.5, नीचे लग रहा है फोर्स इन डीएफ इक्वल टू जीरो, तो फोर्स इन डीएफ आपका पॉजिटिव आ गया। मतलब कॉम्प्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो फोर्स इन डीएफ देखिए आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेशन ही आ जाएगा। अगर कॉम्प्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आती तो यहाँ पे आप टेंशन लिख देते, यहाँ पे कॉम्प्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आए इसलिए हमने यहाँ पे कॉम्प्रेशन लिखा है। तो देखिए हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके फोर्स इन डीएफ निकाल लिया। अब देखिए मैं लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करके फोर्स इन डीएफ निकालूंगा। अब डीएफ में निकालना, आप डी पॉइंट बताएगा कि मैंने इसमें क्या एज्यूम किया है। तो देखिए मैंने इसमें क्या एज्यूम किया, इसमें मैंने टेंशन एज्यूम करा। अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसमें वैल्यू पॉजिटिव आए तब तो आंसर में टेंशन लिखेंगे, और टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आए तो आंसर में कॉम्प्रेशन लिखेंगे। अब इसके लिए सेंटर ऑफ मूवमेंट तो आपको मिल नहीं रहा है, तो दूसरे दो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरे दो मेंबर जिनको कटिंग प्लेन काट रहा हो तो पैरेलल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा वी को जीरो करेंगे। सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो इन तीनों को लेना है, लेकिन इन दोनों के वर्टिकल जीरो हो जाएंगे तो वर्टिकल खाली इसका मिलेगा। अब कौन कौन से वर्टिकल को लेना है, एक तो डीएफ को लेना है, टू को लेना है, फोर को लेना है, वन को लेना है, थ्री को लेना है और 5.5 को लेना है। तो ऊपर लगने वालों को देखिए मैंने पॉजिटिव लिखा, नीचे लगने वालों को मैंने निगेटिव लिखा इक्वल टू जीरो। तो इससे आपका फोर्स इन डीएफ आ जाएगा, निगेटिव आ रहा है। टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आए, मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें 4.5 न्यूटन का कॉम्प्रेशन होगा। तो आप किसी भी साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करिए, आपके डीएफ का यही आंसर आएगा। अब देखिए हमको किसमें निकालना है, सीजी मेंबर में निकालना है। तो सीजी मेंबर में देखिए सीजी मेंबर को क्या करना पड़ेगा, कटिंग प्लेन से हमको काटना पड़ेगा। तो देखिए सीजी मेंबर को मैं कटिंग प्लेन से काट रहा हूं। आप जानते हैं कि कटिंग प्लेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो देखिए कटिंग प्लेन से इसको काट दिया। कटिंग प्लेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स मेंबर तीन से ज्यादा नहीं काट सकता। यहां पे तो कटिंग प्लेन ने चार मेंबर को काट लिया, कटिंग प्लेन ने चार मेंबर को काट लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहली चीज हम किसी एक साइड का पहले इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए चार मेंबर को काट रहा है तो सेंटर ऑफ मूवमेंट तो नहीं मिलेगा आपको, तो हम क्या करेंगे, सीजी मेंबर में निकालने के लिए हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, सिग्मा वी को जीरो कर लेंगे। जब सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो किन को लेंगे, एक अपन बीसी मेंबर को लेंगे, एक अपन सीजी मेंबर को लेंगे, एक अपन जीडी मेंबर को लेंगे, एक अपन जीएफ मेंबर को लेंगे। मतलब इन चारों को लेना पड़ेगा जिनको कटिंग प्लेन काट रहा है। हमने लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर करा इसलिए 1 न्यूटन, 5.5 न्यूटन और 3 न्यूटन को भी लेना पड़ेगा हमको। अब देखिए बीसी का तो वर्टिकल जीरो होगा और जीएफ का वर्टिकल जीरो होगा, लेकिन जीडी का आपको वर्टिकल मिलेगा। तो आप मान के चल रहे हैं हम सीजी मेंबर में निकाल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जीडी मेंबर में हमको पता है। तो देखिए जीडी मेंबर में हमने क्या निकाला है, जीडी मेंबर में हम 3.54 न्यूटन का टेंशन निकाल चुके हैं, तो इस पर 3.54 न्यूटन का टेंशन बना देंगे। 3.54 न्यूटन का टेंशन देखिए आपने पहले बना दिया, अब इसमें निकालना है तो इसमें हम मन से एज्यूम करेंगे। इसमें देखिए मन से मैंने क्या एज्यूम किया है, मैंने कॉम्प्रेशन एज्यूम करा। अब मैं सिग्मा वी को जीरो करूंगा, तो सिग्मा वी को जीरो करूंगा तो मेरे को जीडी को लेना पड़ेगा। जीडी साइन 45 ऊपर लग रहा है, सीजी नीचे लग रहा है इसलिए निगेटिव। वन को अपन निगेटिव लिखेंगे नीचे की डायरेक्शन में, थ्री को निगेटिव लिखेंगे नीचे के डायरेक्शन में, 5.5 ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए मैंने सिग्मा वी को जीरो कर दिया, तो इससे आपका सीजी की वैल्यू आ जाएगी। सीजी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 4 न्यूटन, मतलब सीजी में कॉम्प्रेशन होगा 4 न्यूटन का। यहाँ पे देखिए आंसर लिखेंगे हम, फोर्स इन सीजी, सीजी 4 न्यूटन का कॉम्प्रेशन। तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा पहले, इसमें हम निकाल चुके हैं टेंशन, हम लेफ्ट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं इसलिए टेंशन जी पॉइंट से दूर जाता हुआ बनाएंगे। देखिए अगर आपको इस मेंबर में निकालना है तो देखिए यहां पे प्लस बन रहा है, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यहां पे प्लस बन रहा है, मतलब जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, जितना नीचे लगेगा उतना ऊपर लगेगा। मतलब देखते से हम बता देंगे कि सीजी में 4 न्यूटन का कॉम्प्रेशन आएगा इस प्लस को देखते हुए,
लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से करेंगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर देखिए मैंने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, ये देखिए अब अभी भी इसमें आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। अब कटिंग प्लेन इसको काट रहा है तो इसमें आपको पहले टेंशन बना देना पड़ेगा, टेंशन हो रहा है, अब डी से दूर जाता हुआ आपको टेंशन बनाना पड़ेगा। टेंशन हम क्या करते हैं, ज्वाइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं। डी से क्यों दूर जाता हुआ बनाए, क्योंकि हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा, डी पॉइंट राइट साइड है तो टेंशन डी से दूर जाता हुआ बनाना पड़ेगा। अब इसमें निकालना है तो इसमें मन से एज्यूम कर लेंगे, इसमें मन से मैंने क्या एज्यूम किया, टेंशन। अब क्या करेंगे, सिग्मा वी को जीरो करेंगे, नीचे लगने वाले फोर्सेस और ऊपर लगने वाले फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करेंगे। ऊपर तो आपका एक ही लग रहा है 4.5, नीचे 2 लग रहा है, 4 लग रहा है, सीजी लग रहा है और 3.54 का साइन 45 नीचे की ओर लग रहा है। तो देखिए मैंने सिग्मा वी को जीरो कर दिया, इक्वेशन बना दिया, तो इससे फोर्स इन सीजी आपका निगेटिव आ रहा है। आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आई, मतलब सीजी में टेंशन नहीं होगा, 4 न्यूटन का कॉम्प्रेशन होगा। आपको किसी भी एक साइड का फ्री बॉडी डायग्राम बना के एग्जाम में निकालना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं दोनों साइड का फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालना, इसलिए मैं दोनों साइड का बना के निकाल रहा हूं। अब देखिए अगर आपको सीजी मेंबर में निकालना है तो कटिंग प्लेन आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। अब हम किसी एक साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेंगे, देखिए किस साइड का करा मैंने इक्विलिब्रियम कंसिडर, राइट साइड का। अब देखिए इसमें आपको मालूम है इसको कटिंग प्लेन काट रहा है तो इसको आपको पहले लेना पड़ेगा, तो बीजी में देखिए आपने पहले क्या निकाला है, आपका बीजी में 2.12 न्यूटन का टेंशन निकाला है, तो इसको टेंशन बनाना पड़ेगा। टेंशन मतलब जी से दूर जाता हुआ बनाना पड़ेगा, जी पॉइंट बताएगा कि इसमें टेंशन हो रहा है या कंप्रेशन, क्योंकि हमने राइट साइड का इक्विलिब्रियम कंसिडर करा है। तो इसमें देखिए मैंने 2.12 न्यूटन का टेंशन बना दिया। अब इसमें निकालना है सीजी में, तो सीजी में मन से मैं एज्यूम कर लेता हूं, मन से देखिए इसमें मैंने क्या एज्यूम किया, कंप्रेशन। अब सिग्मा वी को मैं जीरो कर दूंगा, सिग्मा वी को जीरो करूंगा तो क्या लिखेंगे, 2.12 साइन 45 माइनस सीजी माइनस 2 प्लस 4.5 इक्वल टू 0। ये लिख दिया, इक्वेशन बना दिया, ऊपर लगने वाले माइनस नीचे लगने वाले इक्वल टू 0, इससे फोर्स इन सीजी आ गया प्लस 4 न्यूटन। कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब इसमें कंप्रेशन ही होगा। अब देखिए इसमें निकालना है, हम इस साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे लेफ्ट साइड का, तब भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए बीजी में हम निकाल चुके हैं, बीजी में क्या पता है, 2.12 न्यूटन का टेंशन, तो इसमें हम टेंशन बना देंगे। ये देखिए 2.12 न्यूटन का बना दिया। अब सीजी में निकालना है, मन से हम एज्यूम कर लेंगे, मन से हमने क्या एज्यूम करा, कंप्रेशन। अब सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो वर्टिकल कौन सा है, ये वाला है, 4 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, 2.12 का साइन 45 है, 3 और 5.5 है हमारा। तो देखिए हमने सिग्मा वी को जीरो करा तो इससे भी आपका क्या आ रहा है, फोर्स इन सीजी प्लस 4 न्यूटन आ गया। कंप्रेशन एज्यूम करा, पॉजिटिव आया, तो इसमें क्या लिखेंगे, कंप्रेशन आंसर लिखेंगे। तो आप किसी भी तरीके से करें, देखिए कटिंग प्लेन जिसको काटता है उसको तो लेना जरूरी रहता है, चूंकि हम सिग्मा वी को जीरो कर रहे हैं इसलिए हमने सीडी और एचजी को नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों के वर्टिकल जीरो होंगे। चूंकि कटिंग प्लेन आपके बीजी को भी काट रहा है तो बीजी वाले फोर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर आपको बीजी में नहीं मालूम है तो आप इस वाले मेंबर में मेथड ऑफ सेक्शन से नहीं निकाल पाएंगे। हम इसको देखिए लॉजिक लगा के कैसे निकालना है, इसमें अब यहां पे प्लस बन रहा है, मतलब जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, 4 न्यूटन नीचे लग रहा है तो यहां पे 4 न्यूटन का कंप्रेशन आएगा। हम देखिए और तरीके से देखते हैं, हमको सीजी मेंबर में निकालना है तो देखिए हम कटिंग प्लेन से इस तरीके से काटते हैं, देखिए इस तरीके से मैं काट रहा हूं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए अब देखिए मैं किसी एक साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा, आइदर ऊपर वाला या नीचे वाला, देखो मैं एक साइड का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लिया। अब देखिए इसमें निकालना तो कटिंग प्लेन ने कितनों को काटा, 1 2 3 4 5 6 7। अब अपने को एच में पता है, कहां पता है ना, इसमें पहले मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने सीजी में पहले क्या एज्यूम कर लिया, टेंशन मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखिए ईएच में मेरे को पता है 7.78 न्यूटन का टेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, तो ईएच में देखो मैं टेंशन बना दूंगा 7.78 न्यूटन का टेंशन। बीएच में भी मेरे को पता है, बीएच में क्या पता है, 2.5 न्यूटन का कॉम्प्रेशन, तो इसमें देखिए मैंने कॉम्प्रेशन बना दिया 2.5 न्यूटन का। बीजी में भी मेरे को पता है, बीजी में क्या पता है, 2.12 न्यूटन का टेंशन, तो इसमें देखिए मैंने टेंशन 2.12 न्यूटन का बना दिया।
मेरे को देखिए जीडी मेंबर में भी पता है, जीडी मेंबर मेरे को क्या पता है 3.54 न्यूटन का टेंशन, तो इसमें भी टेंशन देखिए मैंने बना दिया 3.54 न्यूटन का। टेंशन मतलब इस तरफ जो भी जॉइंट है उससे दूर जाता हो बनाना है। कंप्रेशन मतलब कटिंग प्लेन के इस साइड जितने भी जॉइंट है उसकी तरफ आता हो बनाना है। अब डीएफ मेंबर में भी हमको पता है, डीएफ मेंबर में क्या पता है 4.5 न्यूटन का कंप्रेशन, तो देखिए डीएफ मेंबर में मैं कंप्रेशन बना दूंगा कितने का 4.5 न्यूटन का। ईएफ मेंबर में भी हम पहले निकाल चुके हैं, ईएफ मेंबर में हमने क्या निकाला है 6.36 न्यूटन का टेंशन, तो इसमें देखिए टेंशन एफ से दूर जाता हूं मैं बना दूंगा, ये देखिए मैंने बना दिया है। अब इसमें निकालना, आपने कटिंग प्लेन से इस तरीके से काटा तो इन सारे मेंबर में आपको पता होना चाहिए तब इसमें निकल आएगा। हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो 7.78 cos 45 -2.5 + 2.12 sin 45 प्लस सीजी प्लस 3.54 sin 45 -4.5 + 6.36 cos 45 = 0। ये मैंने देखिए इक्वेशन बना दी, मैंने इन सबके वर्टिकल कंपोनेंट को ले लिया तो इससे भी आपका फोर्स इन सीजी निकल आएगा, क्या आया -4 न्यूटन। आपने टेंशन एज्यूम करा वैल्यू निगेटिव आए मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा कंप्रेशन। तो आप कटिंग प्लेन से इस तरीके से काटेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इन सब में आपको उसके लिए पता होना जरूरी है। अगर इन सब में आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से काटने पर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए मैं ऊपर का इक्विलिब्रियम कंसीडर करता हूं, अभी आपने नीचे का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, अब ऊपर का इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा तब भी देखिए सीजी में आ जाएगा बिल्कुल सेम आंसर। देखिए कैसे आएगा सीजी में, देखिए पहले मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा, सी पॉइंट बताएगा कि मैंने कंप्रेशन एज्यूम किया या टेंशन एज्यूम करा। अब इनमें आपको मालूम है, किसमें मालूम है आपको ईएच में मालूम है, ईएच में क्या मालूम है टेंशन मालूम है 7.78 न्यूटन का, तो ईएच में देखिए मैंने टेंशन बना लिया। देखिए मैंने ऊपर वाला इक्विलिब्रियम कंसीडर करा तो ए पॉइंट बताएगा मुझे टेंशन एज्यूम, टेंशन बनेगा या कंप्रेशन, ए से दूर जाता हो टेंशन आपको बनाना है। जब मैंने नीचे का इक्विलिब्रियम कंसीडर करा तो टेंशन एस से दूर जाता हुआ मैंने बनाया था। बीएच मेंबर में हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला है 2.5 न्यूटन का कंप्रेशन, तो इसमें कंप्रेशन बना दूंगा बी की तरफ जाता हुआ। बीजी मेंबर में हम निकाल चुके हैं, ये निकाला बीजी में 2.12 न्यूटन का टेंशन, तो देखिए बीजी में मैंने टेंशन बना दिया B से दूर जाता हुआ 2.12 न्यूटन का। इसमें हमने कंप्रेशन एज्यूम करा है, हमने जीडी मेंबर में हम पहले निकाल चुके हैं, देखिए जीडी मेंबर में हमने क्या निकाला है 3.54 न्यूटन का टेंशन, तो जीडी में D से दूर जाता हुआ टेंशन मैंने बना दिया। बेटा डीएफ मेंबर में भी देखिए हम लोग पहले निकाल चुके हैं, डीएफ मेंबर में हम क्या निकाले हैं 4.5 न्यूटन का कंप्रेशन, तो डीएफ मेंबर में भी देखिए मैंने 4.5 न्यूटन का कंप्रेशन बना दिया। ईएफ मेंबर में भी हम पहले निकाल चुके हैं, ईएफ मेंबर में देखिए क्या निकाला है 6.36 न्यूटन का टेंशन, तो इसमें देखिए 6.36 न्यूटन का टेंशन बना दिया। अब मैं सिग्मा वी को जीरो करूंगा तो सीजी मेंबर में आ जाएगा, सिग्मा वी को जीरो करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा -7.78 sin 45 + 2.5 - 2.12 sin 45 + cg -3.54 sin 45 + 4.5 - 6.36 sin 45 + 4.5 = 0। ये देखिए ये बनाया तो इससे भी आपका फोर्स इन सीजी आ जाएगा, कितना आएगा +4 न्यूटन। कंप्रेशन एज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आए मतलब इसमें कंप्रेशन ही होगा। तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ सेक्शन लगा के ट्रस के मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालते हैं।